नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो लेके आए हैं कि जो आपके करियर में आपको नई दिशा दे सकती है कि आप क्या आगे परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप 12th में हैं, अगर आप 10th में हैं, ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आने वाला समय जो है इसमें किस तरह से नई जॉब्स का उदय होगा और जो पुरानी जो जॉब्स हैं, पुराने सेक्टर से हो सकता है कुछ जो है एलिमिनेट हो जाए। तो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप में, अपने एजुकेशन में, तभी हम जाके जो है जॉब के लिए आगे जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए, अभी एमटेक एक लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने, उसे नई फील्ड इसमें ऐड करी गई है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत चलन हो रखा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हमें मैन फोर्स या रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इन्होंने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अब जो है काफ़ी तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स अपनाएं, ताकि जो है पोल्यूशन काफ़ी कम हो सके, है ना। वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ें चल रही है। तो अगर आप इन फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, और अगर आप इस फील्ड में जैसे आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट से अगर आप पास आउट होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आगे करियर में, और ये अगले 50 साल तक ये मेरे को लगता है कि काफ़ी बूम करेगा। तो आप इसमें ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा, और आप नहीं जानते हैं तो किसी और को जिसके लिए वीडियो यूजफुल है उसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिएगा। तो आईआईटी दिल्ली ने देखिए न्यू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, यानी कि ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी, और किस किस फील्ड में हो सकती है वो अभी नीचे है, हम इसमें बताएंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड हैं सारे, और गेट क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, ठीक है। तो कार्ट है ये वेरियस रिसर्च लेबोरेटरीज, और जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर जो जो यहाँ पे मतलब जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट में ये है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ एक काम कर रही है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब 2021-22 जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम लोग जो है नया कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, एमटेक इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो देखिए, जहाँ पे ऐसा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होता है कि एक ही जगह शुरू हुई है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम होगी ऐसे इंजीनियर्स की, ऐसे एमटेक करने वालों की। तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा ऑफरिंग्स मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आईआईटी दिल्ली रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, और एक नई टेक्नोलॉजी में आप कुछ कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया, और आपको सिमुलेशंस किए जाएंगे, और आर्टिफिशियली आप अपने प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली या लैब में सिंक्रस जो हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, ठीक है। अब देखिए, ये आईआईटी दिल्ली का कैंपस है, आप कभी दिल्ली जाए तो विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, आप 4 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए आपका, कौन कौन सी फील्ड में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कौन कौन सी फील्ड है। ईसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैकेनोट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, तो ये सारी में अगर आपकी इंजीनियरिंग है, और अगर आप गेट क्वालिफाइड किए हैं, गेट क्वालिफाइड कौन कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, अगर आप इसमें करते हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द गेट स्कोर, गेट रैंक, आपका जो है इसी कॉलेज अलाउड हो जाएगा, और अगर आपको एक बार ये वाला चीज़ मिल जाती तो बिलीव मी आप में वर्ल्ड लेवल पर आपकी डिमांड होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोर्स अभी उन्होंने नया लॉन्च किया है, मेरे को लगता नहीं कि कहीं और इतना हाई लेवल का कोर्स कहीं पे लॉन्च हुआ है, अभी एक दो दो चार पांच देशों को छोड़ के किसी में इस तरह का कोर्स है नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में देखो कहाँ कहाँ इसकी जो ज़रूरत हो सकती है, इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि ताकि लोग जो है ज्वाइन करने से पहले जान लें इसमें कि कौन कौन से इसमें जो है की एरियाज हैं जहाँ पे आप काम करने का मौका मिल सकता है। तो अगर आपकी दिलचस्पी इनमें से किसी भी एरिया में है तो आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो आप बता ही दिया, इन्होंने नाम से साफ साफ लिखा हुई है। अब देखो, ड्राइव ट्रेन्स हैं, जैसे अभी ऑटोमेटिक ट्रेन चल रही हैं, मेट्रो चल रही है ना, बुलेट ट्रेन चल रही है, तो ये जो ट्रेन्स हैं इनमें जो ई मोबिलिटी हुई, इलेक्ट्रिक चल रही है। अच्छा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है, अभी जो स्वीडन और नॉर्वे, 2-3 देशों में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, अभी इंडिया में भी कल परसों ही ये अपना नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि हम जो है दिल्ली से जयपुर के जो हाईवे है वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जिसमें एक लेन जो है हम इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएंगे, जो ट्रक बस वगैरह होती है उसमें। तो ये हमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा, 2-3 साल, अगले 2 साल में ये लॉन्च हो जाएगा प्रोबेबली। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम इसको पूरे देश में लॉन्च करेंगे। तो इससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत घट जाएगा, जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, और एक बार इसमें जो खर्चा आएगा उसके बाद कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, तो हमारा इम्पोर्ट्स बिल बेसिकली बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, उसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जर, अब देखिए
हाँ ऑब्वियसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, चार्जर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बैटरी स्टोरेज वगैरह करेंगे एनर्जी का, तो आपको इस चीज़ों में काम करना ही पड़ेगा, चार्जिंग, बैटरी स्टोरेज है ना, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, फिर रीयूजबिलिटी ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप काम कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिव हेल्थ मॉनिटरिंग और नॉइस वाइब्रेशन हार्नेस, ऑटोमोटिव व्हीकल डायनेमिक्स, तो ये सब व्हीकल्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं, इंजन वगैरह उस तरह से डिज़ाइन होंगे, बैटरी को किस तरह से छोटा करा जाए, तो और भी इसमें रिसर्च वगैरह हो रही है, ठीक है। फिर मटेरियल कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उसको और बेहतर बना सकते हैं परफॉर्मेंस को, ताकि वो जो है कंपटीटिव प्राइस पे अवेलेबल हो कंपेयर टू दिस यू नो फ्यूल व्हीकल्स। सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग दीज थिंग्स एंड गिविंग सब्सिडी टू दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो ऐसे व्हीकल्स खरीद रहा है उसको भी काफ़ी सब्सिडी मिल रही है इस पर, है ना, टैक्स वगैरह कम लग रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस बी टेक करने के बाद एम टेक में ट्राई कर सकते हैं इसके कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वर्ल्ड के बेस्ट जो टीचर्स होते हैं, बेस्ट जो इन्वायरमेंट होता है, बेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो आपको यहाँ मिलेगा। अब देखिए, न्यू पीजी प्रोग्राम हैज़ बिन डिजाइन, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अकेडमिया एंड इंडस्ट्री, यानी कि अकेडमिक्स से भी और इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हम जो भी इंडस्ट्री में जो काम एक्चुअल में आपको कराया जाएगा वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, या उस लेवल का काम आपको सिखाया जाएगा, ताकि आपको जो है अपॉर्चुनिटी आगे से आगे और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिले और जॉब जॉब करने के लिए कोई दिक्कत ना आए, है ना। सो कार्ड इज ऑलरेडी एक्टिवली इंगेज, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो ये बॉडी है जो ये कोर्स लॉन्च कर रही है, जो इस कोर्स को लेके आई है, वो एक्टिवली एंगेज एंड वर्किंग विद मेनी इंडस्ट्रीज, तो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी काम कर रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर, है ना। तो यहाँ पे जो स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज हैं जो स्टूडेंट्स को मिलेगी, वहाँ पे सिमुलेशंस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को और प्लेटफॉर्म को, और अपनी जो है नई चीज़ें इसमें डेवलप करने में हेल्प हो सकती है, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आप 2-3 साल 4 साल बाद भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो और भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो है आने वाले 50 साल तक इसकी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ, थैंक यू।